अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आज हम बनाएंगे वाटरमेलन के छिलके की सब्जी। अलग है ना? लेट्स स्टार्ट। तो ये है इंग्रेडिएंट्स। हम जब भी वाटरमेलन खाते हैं तो हम उसका छिलका फेंक देते हैं, तो उसी छिलके की आज हम सब्जी बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी होती है। ये मैंने 3 किलो का एक वाटरमेलन लिया था, उसका पल्प निकाल लिया था, उसी के ये छिलके हैं, तो उसी की हम सब्जी बनाने वाले हैं। दिस इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। उसके साथ हमें जो सूखे मसाले लगेंगे उसमें ज़ीरा है, हल्दी है, धनिया ज़ीरा पाउडर है, कश्मीरी मिर्च है उसका पाउडर है, ये उससे कलर मिलता है, ये इतनी तीखी नहीं होती है, गरम मसाला है, आमचूर पाउडर है और 2 से 2.5 इंच का अदरक है जो हमने ग्रेट कर लिया है, 20 से 25 पत्ते कड़ी पत्ते के हैं, 2 हरी मिर्च हैं, हैंडफुल ऑफ धनिया और हमने हींग ली है, हींगो डालिया है, जिसकी हींग बनाएंगे आपके घर पर हींग होगी वो भी चल जाएगी, तेल लिया है, नमक लिया है और कुछ लोग शक्कर भी डालते हैं इसमें। तो ये आज हमारे सब्जी का हीरो है, वाटरमेलन का छिलका। इसे आप धीरे धीरे पील कीजिए, ये काफ़ी सख्त होता है, तो ध्यान रखिए जो आप नाइफ ले रहे हैं वो शार्प हो और आपका हाथ नहीं कटे। ऐसे धीरे धीरे करके आप इन सारे छिलकों का ग्रीन पार्ट निकालिए और फिर उसके क्यूब्स कर दीजिए, जैसे हम आलू या लौकी के करते हैं वैसे ही क्यूब्स करने हैं, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। जब मैंने ये वाटरमेलन पहले लिया था तो उसे मैंने पानी से 2-3 बार धो लिया था, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी मिट्टी होती है, क्योंकि आपको इसके छिलके की सब्ज़ी बनानी है तो पहले आप इसे धो लेना। ऐसे ही आप बाकी सारे छिलके लें, उनका ग्रीन पार्ट निकालें और उनके सारों के छोटे छोटे ऐसे डाइसेस कर लें। वैसे ये रेसिपी मेरे मॉम इन लॉ की है, मैंने उनसे सीखी है। तो ऐसे आप इन सारे वाटरमेलन के पीसेस कर लीजिए, देखिए पीसेस रेडी है। फिर आप कढ़ाई लीजिए, उसमें तेल डालिए, कढ़ाई गर्म हो गई हो, सबसे पहले ज़ीरा डालिए और फ्लेम स्लो कर दीजिए, नहीं तो आपका तड़का जल जाएगा, प्लीज़ फ्लेम स्लो करना। उसके बाद आप लीजिए हरी मिर्च, उसे भी सौते करिए, ध्यान रखिए फ्लेम स्लो हो। फिर लीजिए हींग, हमने हिंगोड़ा की हींग बनाई थी, आपके घर पे अगर नॉर्मल हींग है तो आप वो डाल लीजिए, वो डाल के भी आप थोड़ी देर सौते करिए। फिर आप डालिए अदरक, जैसे ही आप अदरक के रेशे इसमें डालेंगे और जो अरोमा आएगा, रियली रियली ऑसम। अगर आपको अदरक पसंद है तो आपको तो तभी वो निकाल के खाने का मन होगा। फिर डालिए आप मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट, क्या? कड़ी पत्ता। जी हाँ, कड़ी पत्तों के 20 से 25 पत्ते लीजिए और उन्हें डालिए और उन्हें स्लो फ्लेम पे वापस सौते करिए। वैसे ये जो सब्जी बनती है ना, इसमें जो अदरक का फ्लेवर आता है वो भी बड़ा कमाल का होता है। फिर सारे सूखे मसाले डालिए, हल्दी लीजिए, उसके बाद धनिया ज़ीरा पाउडर लीजिए। यूजुअली किचन में धनिया और ज़ीरा पाउडर साथ में होता है, अगर साथ में आपने नहीं रखा है तो धनिया पाउडर अलग, ज़ीरा पाउडर अलग, दोनों को मिक्स करिए। और फिर डालिए आपका किंग इंग्रेडिएंट, जी हाँ, वाटरमेलन के छिलके के पीसेस। डालिए कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला और इन सब को अच्छी तरह मिला लीजिए। ये सब्जी थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट करने के लिए आप उसमें डालिए नमक। आप किसी भी सब्जी में जब नमक डालते हो तो उसका कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है, तो आप 1 से 1.5 या 2 चम्मच जितनी आपकी सब्जी की क्वांटिटी है उस हिसाब से नमक डालिए और उसे चलाइए, ताकि आपके ये सारे सूखे मसाले जल नहीं जाए तो आप 1/2 ग्लास पानी भी साथ में डाल दीजिए। वैसे तो इस सब्ज़ी में काफ़ी मॉइस्चर होता है, वो अपने ही जूसेस में पक सकती है, लेकिन आप पानी डालोगे तो एंड में आपको हल्की सी ग्रेवी मिलेगी जो खाने में बहुत मज़ा आएगा। लिड लगा लीजिए और गैस की फ्लेम हाई करिए और इस सब्ज़ी को चलने दीजिए। ये सब्ज़ी कम से कम 12 से 15 मिनट के बाद ही बनेगी, क्योंकि थोड़ी सी कड़क होती है, इसे कुकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। हर 4-5 मिनट बाद आप लिड उठाइए और देखिए कि आपकी सब्ज़ी ओवर कुक तो नहीं हो रही है। जब हम छिलकों को साफ़ कर रहे हैं, अगर वाटरमेलन का लाल पार्ट रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सब्ज़ी में ज़्यादा स्वाद ही लाएगा, हल्का सा मीठापन आएगा, विच इज़ नाइस। आप लीड उठाकर देखिए, आपकी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। जैसे हम आलू को टेस्ट करते हैं वैसे ही टेस्ट करिए फोक डाल के। फिर डालिए आमचूर पाउडर और उसे एक और बार थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। आपकी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है, गैस की फ्लेम बंद करिए और आपका जो गार्निश है धनिया, उसे उसमें मिक्स कर दीजिए। इस सब्ज़ी का टेक्सचर इज़ वेरी क्लोज टू दैट ऑफ लौकी,
थोड़ी सी सख्त होती है तो ये खाने में और क्रिस्प होती है, तो और मज़ा आता है। तो लीजिए आपके वाटरमेलन के छिलके की सब्जी रेडी है, एंजॉय।